दोस्तों आदाब, मैं सनम एजाज और श्रीनगर से आपको अभी तक का लाइव अपडेट करना चाहूंगा। और लाइव अपडेट में आज ईद उल अजहा यानी ईद उल जुहा की तकरीबात जो है दुनिया भर में मनाई जा रही थी। सऊदी अरब और कुछ ममालिक में कल मनाई गई, आज साउथ एशिया और उसके साथ साथ बाकी कुछ और ममालिक में भी मनाई गई ईद। लेकिन इस ईद के दौरान वही ईद थी जो पिछली बार हमने रमजान की जो ईद थी, वही कोई बड़ा फर्क नहीं था। आज भी यूं कहें तो मेंबर और मेहराब खामोश रहे, ईदगाहों में लोग नहीं थे। कुछ मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया था। उलमाए किराम ने भी कल अपने बयानों में और मुसलमानों को वाजह किया था कि आज की ईद में खुतबा नहीं होगा, घरों में ही नमाज अदा कर सकते हैं, तकबीरात ज्यादा होंगी। और उस सारे के बीच में आज कुछ जगहों पर ईद नमाज हुई कुछ मसाजिद में, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ईद नमाज हुआ करती थी। इस सारे के बीच में कुछ घरों में भी लोगों ने एहतमाम कर रखा था, अपने घरों में फैमिली में नमाज ईद अदा की गई। और फिर कश्मीर की बड़ी सूरत हाल जो इस वक्त की है, हालात की मार, ये बराबर ईद पर पड़ रही थी। कुर्बानी का सिलसिला ईद नमाज के फौरन बाद शुरू भी हो गया था और लोग कुर्बानी कराने में मशगूल थे। और कुर्बानी के दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा था। यानी कश्मीरी वाकई में आज सोच अकल और फिरासत से सभी काम जो है वह अंजाम दे रही थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हालात जो हमारे इस वक्त बने हुए हैं, इन हालात में हमारे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। और इन जिम्मेदारियों में कश्मीर में आज ईद की जो सिचुएशन थी नहीं, उस सिचुएशन में लोगों ने सही तौर पर अपना रोल अदा किया। लेकिन और तरह के मामलात भी हैं इस ईद के दौरान, जो वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि हर तरफ से वादी कश्मीर के शुमाल और जनूब हर तरफ से यही मामला देखने को मिल रहे थे कि कहीं कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम कहें कि ईद मनाई जा रही है। लेकिन फिर भी ख्यालात और हालात इन दोनों पे नजर रखते हुए श्रीनगर में या वादी कश्मीर के बाकी हिस्सों में लोगों से यही बात कर रहेंगे कि ईद खुशी का मतलब है, लेकिन इस खुशी में आप अपने पड़ोसी की खुशी का खास ख्याल रखिएगा। आपके किसी बात से उसके ना सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट होने चाहिए और ना उसको अगर उसको कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी में उसको दूर करने में आपका अपना जो रोल है वो बनता है। और खास ख्याल ये रहना चाहिए कि आप ईद पे साफ जाहिर है आपकी बार ऐसे वाजवान नहीं पक सके हैं हालात की वजह से, लेकिन फिर भी ख्याल ये रखिएगा कि आपका पड़ोसी कोई भूखा आज भी ना रहे, कल की बात ही नहीं है। आज भूखा रहेगा तो जवाब आपको देना पड़ेगा। और आज की डेट में हमने ये भी देखा कि बच्चों की ईद नहीं हो सकी, बच्चों को वो ईद ही मिला करती थी, रिश्तेदार दोस्त वगैरह आया करते थे, वो सब कुछ आज नहीं हुआ। बच्चों के लिए भी आज थोड़ा सा ये ईद की खुशी जो थी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ईद मुबारक सभी नाज़रीन को, सभी दोस्तों को। बहुत शुक्रिया।